देश की धड़कन माने जाने वाले दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाले पुराने जीटी रोड यानी NH2 पर परिचालन कभी भी बंद हो सकता है। खतरे की आहट को देखते हुए NHAI ने अधिकारियों के नाम जारी पत्र किया है। बिहार के कैमूर जिला को उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए कर्मनाशा नदी के पुल पर बने स्टील ब्रिज का परिचालन कभी भी बंद हो सकता है। टूट जाएगा आधा दर्जन से अधिक राज्यों से बिहार का संपर्क। NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कर्नल योगेश गढ़वाल ने कैमूर और रोहतास जिले के SP DM सहित IG और सचिव को पत्र लिखा। प्रशासन ओवरलोडेड वाहनों को पकड़ने में बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखा रहा है। अगर यही रहा हालात तो स्टील ब्रिज को बचाने के लिए परिचालन को बंद करना पड़ जाएगा। कैमूर जिले के कर्मनाशा पुलिया पर स्टील ब्रिज बनने के बाद से ही कैमूर जिला में एक बार फिर भीषण जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 जाम से कराह रहा है। जाम भी ऐसा कि एक बाइक निकलना भी मुश्किल हुआ है। कहने को तो फोर लेन है लेकिन स्थिति गांव की सड़क से भी जाम के कारण बदतर हो गई है। वहीं NHAI के प्रोजेक्ट मैनेजर नागेश कुमार बताते हैं कि बालू लदे ओवरलोड वाहनों को साइड कराकर खाली कराने के कारण जाम लगा है। हम लोगों ने यह ठाना है कि ओवरलोडेड वाहन को गुजरने नहीं दिया जाएगा। ओवरलोडेड वाहनों का परिचालन स्टील ब्रिज से शुरुआत हुआ तो ब्रिज कभी भी ध्वस्त हो सकता है, जिसके बाद बिहार का संपर्क आधा दर्जन से अधिक राज्यों से कट जाएगा। अगर जिला प्रशासन ओवरलोडेड वाहनों पर लगाम नहीं लगाता है तो पूरी तरह से परिचालन को बंद करना पड़ेगा। हम लोगों ने कैमूर रोहतास के DM, SP, IG और सचिव को पत्र लिखकर आगाह कर दिया है कि कभी भी ओवरलोडेड वाहनों के कारण परिचालन बंद करना पड़ सकता है, नहीं तो प्रशासन उन्हें रोकने में मदद करे। कहाँ से आ रहे हैं, क्या जाना, कहाँ जाना है, क्या रहता है गाड़ी में? पटना से आ रहे हैं, दिल्ली जाना है। क्या रहता है गाड़ी में? इसमें खाने पीने का सामान। तो कैसे अब, मतलब कब तक जाम छूटे कुछ पता है आपको? क्या बताइए, कल तक परसों तक कब तक रहेगा? 3 दिन तो फंसते ही आए आगे। 3 दिन से? तो कोई ऐसा दिखा पुलिस वाला या NHAI का अधिकारी जो कि जाम छुड़ा रहा हो या फिर कोई आसपास? कोई नहीं देखता, यहाँ कौन देखता है? जब अपने कोई ड्राइवर भिड़ जाते, कोई बचाने वाला नहीं है। अभी जाम कब तक छुटे कोई को पहुँचे कोई ठीक नहीं है, कोई भरोसा नहीं। देखिए, हम लोग रिपीटेडली चाह रहे थे कि पुलिस और का परिचालन जो है चेक करते रहें, लेकिन उसके बाद चेक करने के बावजूद भी गाड़ियां काफ़ी मात्रा में निकल जा रही थी, जो कि हमारे सड़क पुल को काफ़ी क्षति पहुंचा सकती थी। इसलिए ये हम लोगों ने अब कल से ही अपने जिम्मा खुद ले लिया है कि हमारे लेवल पे हम भी प्रयास करके देखते हैं कहां तक हो सकता है, वहां तक हम अपने लेवल पे भी उसको चेक करेंगे। सर, अपनी बात भी बता रहा था कि स्टील ब्रिज के अगर परिचालन बंद करना पड़ जाएगा। जी हाँ, प्रशासन को पुलिस को एक पत्र दे दिया गया है NHAI की तरफ से कि ये इस पे आपका भी सहयोग हमको चाहिए, और यदि सही ढंग से सहयोग नहीं मिला तो हम स्टील ब्रिज पे जो परिचालन है गाड़ियों का वो बंद कर देंगे। इस चीज़ का मतलब ओवरलोडिंग तो देखिए, लॉन्ग रूट की जितनी गाड़ियां हैं वो एक स्टेट में नहीं चलती हैं, वो कई स्टेट्स में होके जाना पड़ता है, तो वो कभी भी ये खतरा नहीं लेती हैं कि हम ओवरलोड लेके चलें और हर जगह हमको समस्या हो। ये सारा होता है शॉर्ट रूट, जो विद इन एक दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर चलने वाली गाड़ियां, और ऐसे में प्रायः ऐसे शॉर्ट रूट डिस्टेंस में गाड़ियां यहां मुख्यतः बालू की गाड़ियां हैं। कैमूर से बिट्टू सिंह के साथ अजीत कुमार की एक रिपोर्ट।